हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ये फ्लावर शेप की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने ये ऑरेंज कलर के साटन के रिबन से ये पत्तियाँ बनाई हैं, जिनके ऊपर मैंने ब्लू कलर का स्टोन लगाया है। सेंटर में मैंने जो चोली बनाई है उसमें दोनों तरफ मैंने पतला वाला रिबन अपना ब्लू कलर का लगाया है। इससे मैंने चोली बनाई है। सेंटर उसके बीच बीच में कहीं कहीं मैंने ब्लू स्टोन लगा के अपनी चोली को बनाया है। इस तरह मैंने ये ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस में जो मैंने पत्तियाँ लगाई हैं, ये पत्तियाँ मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया है, वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर पे एक राउंड काट लेते हैं। ये राउंड मैंने 7 इंच का लिया है। अब इसको हम हाफ फोल्ड करते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद इसे हम 2 पीसों में फोल्ड करेंगे, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। इस तरह से फोल्ड इस तरह 6 पीस कर लेते हैं। 6 पीस करने के बाद हम इसमें जो हमारी ऊपर वाली पत्ती है, इस पत्ती को वापस से हाफ फोल्ड कर लेते हैं। एक पत्ती को नीचे की तरफ हम 1 इंच से थोड़ा कम के ऊपर निशान लगाते हैं। 1 इंच से थोड़ा कम पे निशान लगाते हैं हम। 1 इंच से कम पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में ये हमारा 1 इंच से कम पे रहता है, जो हमारा 1.5 या 1.5 इंच का सर्कल कट जाता है बीच में, जहाँ हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। जो हमने ऊपर की तरफ ये हिस्सा मोड़ा था, इसके ऊपर हम एक पत्ती की शेप बनाते हैं। तो मैं नीचे से लगभग जो हमारा सर्किल से इसे लगभग 0.5 या 1 इंच के ऊपर से सर्किल ये पत्ती की शेप बनाना शुरू करती हूँ। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। नीचे से सर्किल की भी कटिंग कर लेते हैं हम। इस वाली पत्ती को हम इस तरह खोल के बची नीचे की 4 पत्तियों की भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हमारे 6 पत्तियों का एक फूल बन जाता है। अब इसे हम टेट्रोन पे डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे और अपने कपड़े को दोनों तरफ पेस्ट करके मैं ले आती हूँ। एक तरफ से इसे आगे, एक तरफ से मैं इसे इस तरह से कट कर देती हूँ, जहाँ से हमारा ये हिस्सा ओपन रह जाता है। इस तरह मैं ये अपने डिज़ाइन को बना लाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी डिज़ाइन को टेट्रोन पर काट के अपने कपड़े को दोनों तरफ से पेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने चारों तरफ सिलाई मशीन से सिलाई लगा ली, जिससे हमारे ये खुलने का डर नहीं है। फिर हम एक बार सभी जगह से अपने कपड़े को सिक्योर कर लेते हैं, जिससे हमारे धागे ना निकले। तो सेंटर में से भी कर लेते हैं, इसे सभी जगह से इसे सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह मैंने अपनी बेस को सभी जगह से सिक्योर कर लिया। अब इसके ऊपर हम इस तरह की ये पत्तियाँ लगाते हैं। ये पत्तियाँ बनाना मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे देख लेना। अभी हमें पत्तियाँ इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसके लिए आप सिर्फ हाथ से सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं, हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं या फेविकोल से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको हॉट ग्लू से लगा के बता रही हूँ। सबसे पहले हम सेंटर में एक लगाएंगे। अब इसके दोनों तरफ हम एक एक पत्ती और लगा देंगे। हमारी 3 लगी, हम सेकंड रो में हम 4 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक इधर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम 3 पत्तियां और लगा देते हैं। उसके बाद वापस से हम 4 पत्ते
इसे हम सुई धागे से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे लगा सकते हैं। अब हम इसमें तीन पत्तियां लगाएंगे। अब नीचे की तरफ वापस से हम तीन पत्तियां लगा लेते हैं। इस तरह हमारी एक पत्ती पे लग जाती है। लास्ट वाली रो हम सभी में एक साथ लगा देंगे। इस तरह मैं ये सभी पत्तियों के जितनी भी मेरे पांच पत्तियां और बनी सभी पत्तियों के ऊपर अपनी ये पत्तियां लगा के इसे कंप्लीट कर लेती। अब हमने सभी पत्तियों के ऊपर इसे लगा लिया है। हमारी लास्ट वाली रो बची है जो हम सभी पूरी रो को एक साथ लगाएंगे। इस तरह हमारी पूरी सभी पत्तियों पे हमने ये पत्तियाँ लगा ली हैं। इस तरह हमारी ये घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए हम रिबन का एक छोटा पीस काट लेते हैं। ये मैंने 9 इंच 9.5 इंच लंबाई का लिया है। अब इस रिबन के दोनों तरफ हम जो हमारा नैरो रिबन आता है, सबसे बारीक वाला रिबन आता है, उसके दोनों तरफ इस तरह से हम चाहे तो हम सिलाई मशीन से लगा लेंगे या हॉट ग्लू से लगा लेते हैं। तो मैं इसे हॉट ग्लू से लगा के दोनों तरफ इसे लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने चोली पे दोनों तरफ नीला रिबन लगा लिया। अब इसके हम दो पीस कर लेते हैं, इसके दोनों में सिक्योर कर देते हैं। इसे हम अपने घेरे पे अटैच कर देते हैं। चाहे तो हम बीच बीच में इसमें ब्लू स्टोन भी लगा सकते हैं, तो मैं इसमें ब्लू स्टोन लगा लेती हूँ। इससे हमने दोनों चोली के ऊपर स्टोन लगा लिया। अब इस चोली को हम अपने घेरे पर अटैच कर देते हैं। तो जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पे हम अपने दोनों मुँह को अटैच कर देते हैं। इसे पीछे ले जाके इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।